सब कहाँ गए? मिस जाविदा निगार और बाकी सब के साथ फार्म हाउस गई हैं। मलिका और ज़ैनब दाईमा के पास गई हैं। वो लोग आज रात वहीं रुकने वाले हैं। मैंने अंकल को खाना खिला दिया है और वो सो रहे हैं। मतलब हम दोनों अकेले हैं। तो इस बात का फायदा उठाकर रोमांटिक डिनर की तैयारी कर ली। हाँ क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? बहुत भूख लगी है। वैसे भी काफी टाइम से हमने अकेले डिनर नहीं किया है। तुम्हें पता है वो क्या कहते हैं? अगर तुम्हारा एक छोटा सा घर और एक समझदार वाइफ हो तो तुम्हें खुश रहने के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। इसमें कितनी सच्चाई है। 100% ट्रू। चलो खाना खाते हैं, सिर्फ तुम और मैं और ये नन्ही सी जान। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि तुम दोनों मेरे साथ हो। डिलीशियस लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय करो। तुम्हारा पेट भर गया? पेट तो भर गया पर मेरी आंखें तुम्हें देखते हुए कभी नहीं थकती। एक सेकंड रुकना। क्या बात है? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। इसमें बहुत अच्छी चीज है। हम सोच रहे थे कि हमारे पास भी जन्म से पहले काफी समय है और हम सब कुछ आराम से कर लेंगे, पर यह समय बहुत तेजी से जा रहा है तो मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द बच्चे के कमरे की तैयारी कर लेनी चाहिए। ये देखो ना जरा, ये वाला देखो कितना अच्छा है। रेहान क्या हुआ?
याद है मैंने कहा था कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे